सब्सक्राइब कीजिए दिनेश कुमार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, घर बैठे पैसे कमाने की जानकारी सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओके चेंजर वेबसाइट के बारे में। जानेंगे दोस्तों कि अगर आपने यहां पर अपना अकाउंट बना रखा है तो आप अपने अकाउंट को और ज़्यादा सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट को एक्स्ट्रा सिक्योर कैसे करेंगे तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हम ओके चेंजर की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अगर दोस्तों आपको इसका अकाउंट बनाने के बारे में नहीं पता और बाकी के प्रोसेस के बारे में नहीं पता तो इससे रिलेटिव जो वीडियो हमने बनाए हैं उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से इसके बारे में सीख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन होते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल का बटन आपके सामने ओपन होगा, आप एक बार फिर से प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में एक मेन्यू बार ओपन होगा, यहाँ पर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, आप इनेबल ऑप्शन पर क्लिक करिए, उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, स्कैन करिए कोड को और उसके बाद डिवाइस को यहाँ पर पेयर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों गूगल प्ले स्टोर का बटन दे रखा है, ऐप स्टोर का दे रखा है और यहाँ पर देख सकते हैं विंडो फोन के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों हमारे पास प्ले स्टोर है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर के पेज पर लेकर के आ जाएगा और यहाँ पर आपको गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करना है, आप इसको वेरीफाइड कर लीजिए क्योंकि हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर इंस्टॉलेड दिखा रहा है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप फिर से आप इसी पेज के ऊपर जाइए और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करिए। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आपका QR कोड दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको इस QR कोड को स्कैन करना है आपने जो Google Authenticator इंस्टॉल किया है उसके अंदर जाकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस QR कोड का कहीं पर फोटो खींच कर रख लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर फ्यूचर में आपका फोन डैमेज होता है या फिर गुम हो जाता है तो इस QR कोड की मदद से आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों सेव करने के बाद आपको जाना है अपने मोबाइल के अंदर जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है गूगल ऑथेंटिकेटर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा। हमने काफी सारे अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर लिंक किए हुए हैं दोस्तों गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ। यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा प्लस का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको एक और बटन दिखाई देगा लिखा है स्कैन है बार कोड का, आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का बैक कैमरा ओपन हो जाएगा, आप इस बैक कैमरे से इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप स्कैन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ओके चेंजर और यहाँ पर इसका एक कोड दिखाई दे रहा है, ये कोड दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कोड और एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स के अंदर दोस्तों आप इस कोड को फिलअप करिए। यहाँ पर दोस्तों जो कोड दिखाई दे रहा है वो कोड आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, लेकिन आपको ध्यान देना कि जो ब्लू कलर में दोस्तों आपको यहाँ पर राउंड में दिखाई दे रहा है इसके खत्म होने से पहले पहले आपको यहाँ पर इस कोड को फिलअप करना है। अगर ये खत्म होते हुआ दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करिए और जैसे दोबारा से स्टार्ट हो फिर आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आ चुका है कोड, हम यहाँ पर डाल देते हैं और कोड डालने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर एक बटन है कम्प्लीट पेयरिंग का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे दोस्तों लिख करके आ चुका है मैसेज इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल सेट का, यानी कि दोस्तों आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो यहां पर इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने ओके चेंजर के अकाउंट के अंदर गूगल 2FA एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन क्वेरीज या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उससे रिलेटिव भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ।